नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये देश की पांचवी और दक्षिण की पहली वंदे भारत ट्रेन है। ये चेन्नई से मैसूर तक चलेगी। पीएम मोदी ने इससे पहले विधानसभा में महर्षि वाल्मीकि और संत कवि श्री कनकदास की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में KSR रेलवे स्टेशन पर भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने कैंपकोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने नागप्रभु कैंपकोड़ा की 108 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार हम कर्नाटक की विरासत को मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक को पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन मिली है। इसके बाद वे यहां बेंगलुरु में एक सार्वजनिक समारोह में शामिल हुए। इसके बाद पीएम मोदी तमिलनाडु भी जाएंगे। वे यहां डिडुगुल में गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज अहम दिन रहा। ज्ञानवापी को लेकर आज शुक्रवार को अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित शिवलिंग का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है, यानी शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को कोई छुएगा नहीं। अदालत ने इससे पहले 12 नवम्बर तक वजूखाने के संरक्षण का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी परिसर के SI सर्वे कराने की मांग पर अब 28 नवंबर को सुनवाई करेगी। श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर को तय की है। दरअसल देश की सबसे बड़ी अदालत ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी संरचना को संरक्षित रखने से जुड़े आदेश को आगे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई हुई है। वहीं हाईकोर्ट में निचली अदालत से दिए गए सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वो जिला कोर्ट के पास जाएं और अपनी दलीलें जिला जज को बताएं। जिला जज तय करेंगे कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो। साथ ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस पर आज बड़ा फैसला हो सकता है। दिवाली से पहले कोर्ट ने जैकलिन को 200 करोड़ की ठगी के मामले में 10 नवंबर तक की मोहलत दी थी। गुरुवार को दिल्ली के पटियाला कोर्ट में मामले में सुनवाई हुई थी। 11 नवंबर को एक्ट्रेस की जेल या बेल पर फैसला आने वाला था, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि अब मंगलवार 15 नवंबर को शाम 4 बजे फैसला सुनाया जाएगा। ED ने कोर्ट में जैकलिन की जमानत याचिका का विरोध किया था। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि एक्ट्रेस ने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया। सबूतों के सामने आने पर ही जैकलिन ने कबूलनामा किया है। ईडी ने यह भी कहा कि जैकलिन को पता था कि सुकेश चंद्रशेखर एक ठग है। ठग के बारे में जानने के बावजूद वो उनसे महंगे गिफ्ट लेती रहीं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जैकलिन के वकील ने कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं। इसके अलावा ईडी ने जो जैकलिन पर देश छोड़कर भागने का आरोप लगाया उसे भी निराधार बताया है। जैकलिन के वकील का कहना है कि एक्ट्रेस ने खुद ही कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने ही अंतिम जमानत दी है, लेकिन ईडी उन्हें परेशान कर रही है। दिल्ली शराब घोटाले पर BJP के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले की परतें खुल रही हैं। आप सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है। डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। सबूत मिटाने के लिए 140 मोबाइल फोन बदले गए हैं। सिसोदिया की टोली ने घोटाला किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वारंट वाले गारंटी क्या देंगे, यानी वो लोग क्या गारंटी पत्र जारी करेंगे जिनके ऊपर खुद वारंट है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA कोर्ट में दावा किया है कि दिल्ली की आबकारी नीति सार्वजनिक होने से काफी पहले कुछ शराब निर्माताओं को लीक कर दी गई थी। शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। ED की ओर से गिरफ्तार शरद रेड्डी के रिमांड कॉपी से खुलासा हुआ है। आरोपी ने 140 के करीब फोन डिस्ट्रॉयड किए ताकि सबूत मिटाए जा सके। शरद रेड्डी और पकड़े गए अन्य आरोपी विनय बाबू को ED की स्पेशल कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर भेजा था। देश की सर्वोच्च अदालत ने पूर्व PM राजीव गांधी की हत्या के मामले में जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन और रविचंद्रन समेत सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि अगर इन दोषियों पर कोई दूसरा मामला नहीं है तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। इस मामले में 18 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक और दोषी
पेरानीवल की रिहाई के आदेश दिए गए थे। बाकी दोषियों ने भी इसी आदेश का हवाला देकर अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। जस्टिस बी आर गवई और नगरत्ना की बेंच ने कहा है कि मामले के दोषियों में से एक दोषी एजी पेरानीवल के मामले में शीर्ष अदालत का हवाला दिया गया और फैसला जो दिया गया है इन दोनों के मामलों में भी लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजीव गांधी हत्याकांड में शामिल नलिनी जयकुमार रविचंदन मुरुगन संथन और रॉबर्ट स्पाइस को रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस के संचार महासचिव जय राम रमेश ने साफ तौर पर इसे अस्वीकार्य बताया है और कहा है कि आप पूरी तरह से गलत हैं। जयराम रमेश की ओर से जो बयान सामने आया उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम राजीव गांधी के शेष हत्यारों को मुक्त करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वीकार्य और पूरी तरह से गलत है। उन्होंने साफ ही कहा है कि कांग्रेस इसकी आलोचना करती है और इसे पूरी तरह से असक्षम मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहाद उल मुस्लिमीन नेता असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाने के दो आरोपियों को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। शीर्ष अदालत ने सुनवाई करते हुए इसे वापस हाईकोर्ट को भेज दिया है। कोर्ट ने कहा कि फैसले में जमानत देने की वजह साफ नहीं है, नए सिरे से सुनवाई कर 4 हफ्ते में फैसला लें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को आज से 7 दिन के भीतर जेल अथॉरिटी के सामने सरेंडर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत याचिका पर नए सिरे से फैसला करने को कहा। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान 3 फरवरी को हापुड़ के एक टोल प्लाजा पर ओवैसी की कार पर गोली चली थी और मामला काफी गंभीर था। 12 जुलाई को हाईकोर्ट ने आरोपियों को जमानत दी थी। ओवैसी ने सितंबर में आरोपियों को जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने हमले के मुख्य आरोपी सचिन शर्मा उसके साथ ही शुभम गुजर की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर हस्तियों में से एक एक्टर सिद्धांत वी सूर्यवंशी का निधन हो गया है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धांत का निधन जिम में वर्कआउट के दौरान हुआ। बता दें कि हाल ही में एक्टर ने अपना नाम आनंद सूर्यवंशी से बदलकर सिद्धांत सूर्यवंशी कर लिया था। सिद्धांत के आकस्मिक निधन से हर कोई हैरान है, साथ ही टीवी जगत के लिए भी ये बेहद शॉकिंग न्यूज है। सिद्धांत की मौत की खबर ने पूरे टीवी जगत को हिलाकर रख दिया। महज 46 साल की उम्र में उनका यूं जाना हर किसी को खर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हार्ट अटैक के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स की टीम ने करीब 45 मिनट तक उनका इलाज कर उन्हें ठीक करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में डॉक्टर्स उन्हें बचाने में नाकाम रहे और एक्टर को मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल सिद्धांत को लेकर बस इतनी ही खबर सामने आई है कि जिम में वर्कआउट के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद अस्पताल लाया गया, जहां लाख कोशिश के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। वहीं मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने बयान देते हुए कहा है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव बड़े कद के नेता थे, हर वर्ग और हर दल से उनका जुड़ाव था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि अखिलेश यादव परिवारवाद से बाहर निकलकर मैनपुरी में किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को टिकट देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आजमगढ़ सीट पर भी उन्होंने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को लड़ाया था और बीजेपी से हार मिली थी। अखिलेश यादव ने फिर से मैनपुरी में अपनी पत्नी डिंपल यादव को टिकट देकर परिवारवाद का संदेश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी मंथन कर जल्द ही प्रत्याशी का ऐलान करेगी और आजमगढ़ की तरह मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी कमल ही खिलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, लगातार हम देख रहे हैं कि जब से डिंपल यादव मैदान में आई है तब से कहीं ना कहीं बीजेपी एक के बाद एक तमाम प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ उम्मीद की जा रही थी कि एक बड़ा नेता या वरिष्ठ नेता जो है वो मैदान में उतरेगा मैनपुरी से, लेकिन डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया है। अब सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर बीजेपी आरोप परिवारवाद का लगा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं जैसा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस सीट पर जो है उपचुनाव होने हैं और इसको लेके जो है उनके बेटे अखिलेश यादव मैनपुरी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की राजनीति का प्राथमिक केंद्र रहा है, यहाँ से ही उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और इसी मैनपुरी लोकसभा सीट और यहाँ की विधानसभा सीटों को बचाने के लिए अखिलेश यादव यहाँ से जो है पहले से ही विधायक है। यहाँ से करहल विधानसभा से 2022 के चुनाव में उन्होंने यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ा था और यहाँ से विधायक बने थे। इसी के एवज में अखिलेश यादव ने अब यहाँ की लोकसभा सीट पर अपनी पत्नी डिंपल यादव को यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर उतारा है और
देखा जा रहा है कि अब जो है पति पत्नी अपने मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने में लगे हुए हैं। कह रही है उत्तर प्रदेश में कि मैनपुरी से किसी वरिष्ठ नेता को, वरिष्ठ चेहरे को, बड़े चेहरे को उतारना चाहिए था, तो विकल्प क्या था सपा के पास कि ये चेहरा है, ये मैनपुरी में अगर उतारा जाए तो इससे समाजवादी पार्टी को फायदा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके के हमले कर रही है कि अखिलेश यादव परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, और एक तरफ जो है उन्होंने परिवारवाद को खत्म करने का आश्वासन दिया था और उनसे लोग उम्मीद भी लगाए हुए बैठे थे कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर वो किसी परिवारिक जन को टिकट ना देकर भारतीय वो वहां पर मैनपुरी के इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता या जो भी सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के, उनमें से कोई एक चेहरा ढूंढ कर लाएंगे और यहां पर जो है मैनपुरी लोकसभा सीट से उनको प्रत्याशी बनाएंगे। लेकिन उन्होंने डिंपल यादव जो कि उनकी पत्नी है उनको टिकट दिया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है और वहां के जो बड़े नेता हैं वही बीजेपी के, वो लगातार अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और परिवारवाद पर बने रहते हैं। मैनपुरी में अगर हम बात करें तो ये सपा का गढ़ हमेशा सही रहा है। अभी फिलहाल जब डिंपल यादव का नाम तय हुआ है उपचुनाव को लेकर, तो किस तरह की हलचल मैनपुरी में देखी जा रही है? क्या जो समर्थन लगातार नेताजी को मिलता रहा है मैनपुरी से, वो समर्थन डिंपल यादव के लिए भी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर जो है अगर देखा जाए, ग्राउंड जीरो की बात की जाए, मैनपुरी लोकसभा सीट में जो है पांच विधानसभाएं आती हैं, जिनमें जो है दो पर समाजवादी पार्टी काबिज है, एक पर खुद अखिलेश यादव यहाँ से विधायक हैं और दूसरी जसवंत नगर विधानसभा से उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव यहाँ से विधायक बने हुए हैं, और वहीं पर तीन जो विधानसभा सीटें हैं उस पर 2022 में भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर चुकी है। हालांकि अब ये चुनाव जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, रोहित, बहुत मुश्किल भी होता जा रहा है, क्योंकि जो आरोप लगातार अखिलेश यादव पर लग रहे हैं परिवारवाद के, वो एक बार फिर से लगने शुरू हो गए हैं और इस मुद्दे को बनाने की कोशिश भरपूर भाजपा करेगी। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लगातार भारतीय जनता पार्टी घेरने की कोशिश कर रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है और लोग यह कयास लगा रहे हैं कि इस मैनपुरी लोकसभा सीट पर कब्जा करने के लिए बीजेपी भी कोई बड़ा चेहरा यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर उतार सकती है। जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा गया था कि अखिलेश यादव यहाँ से जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था और उसके बाद जो है अखिलेश यादव को यहाँ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था और यहाँ से जीत हासिल करने में उनको जो है काफी मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मामला मैनपुरी का और उपचुनाव को लेकर जो नाम सामने आया है सपा की तरफ से, वो डिंपल यादव का सामने आया, जिसको लेकर अब भूचाल सा मैनपुरी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में 150 साल बाद एक परिवार के 9 सदस्यों ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी की है। दरअसल बता दें कि जिले के बघरा ब्लॉक में स्थित योग साधना आश्रम में यशवीर जी महाराज द्वारा आज एक परिवार के 9 सदस्यों की इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। इस दौरान हिंदू रीति रिवाज के चलते पहले परिवार के सभी सदस्यों का गंगा जल से शुद्धिकरण कराया गया, उसके बाद उनके गले में जनेऊ धारण कराकर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ यज्ञ में आहुति डलवाकर इस परिवार के 150 साल बाद इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म में वापसी कराई गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म में घर वापसी का सिलसिला योग साधना आश्रम में लगातार जारी है। आश्रम में अब तक यशवी जी महाराज द्वारा तकरीबन 225 लोगों की हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई है। देखिए, ये सैनी समाज के थे और सहारनपुर के रहने वाले, और 9 सदस्य एक ही परिवार के, उन्होंने घर वापसी की। देखिए, ये लोग तो 150 वर्ष पहले इनके पूर्वज इस्लाम मजहब में चले गए थे हिंदू धर्म को छोड़ करके, और ऐसे ही किसी को 20 वर्ष, किसी को 25, किसी को 50 वर्ष, ऐसे ही अब तक जो चले गए थे उनकी घर वापसी की, और 225 मुसलमानों की अब तक हमने घर वापसी करा दी है। मगर ये तो हमें पता नहीं, हमारा ये है कि हमारे 150 साल पहले, मतलब बूढ़े बुजुर्ग आदमी हमारे, तो पता नहीं जाने क्या देख के बने, अर्थे हमारे
हिंदू ही पहले से, मगर जने क्या देखे दबाव में, जने क्या चीज में, पता नहीं हमें कि क्या चीज से बने, मगर हम अपने हिंदू धर्म में रहना चाहते हैं और हिंदू बन गए हैं। वहीं एटा में मामूली बात को लेकर युवक को खंभे से बांधकर तालिबानी सजा दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस वीडियो में खड़ी भीड़ दबंगों के डर से तमाशबीन बनी रही। वहीं दबंग पीड़ित युवक को भीड़ के सामने बेरहमी से डंडों से पीट रहा है। बताया जा रहा है कि विवाद खेत से आलू खोदने को लेकर हुआ था। फिलहाल युवक को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गाजीपुर में कांस्टेबल मनोज कुमार ने शासन की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। कांस्टेबल मनोज कुमार ने वीडियो वायरल करके कहा कि यहां साफ सफाई नहीं होती है, आए दिन गंदगी के कारण यहां के सिपाही बीमार होते हैं। वहीं रात में सिपाही मनोज कुमार ने सबसे छुपते छुपाते वीडियो बनाया। अब सवाल ये उठता है कि कब सुधरेगी ये व्यवस्था। वहीं सिपाही मनोज कुमार ने भी शासन प्रशासन पर ध्यान देने की गुहार लगाई है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मेहताब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मेहताब, एक कांस्टेबल लगातार जो प्रशासन है जो दावे कर रहा है उसकी पोल खोल रहा है, बकायदा वीडियो भी बनाया गया है, वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया है, इससे हम क्या समझे? जी आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है गाजीपुर के पुलिस लाइन का है और कोई ये नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जो मनोज कुमार ने जो है फिरोजाबाद में खाने को लेकर जिस तरह से वीडियो को वायरल किया था और ये पूरी जमकर किकरी हुई थी पुलिस प्रशासन की, तो वही दोबारा यहाँ रिपीट किया गया है, क्योंकि मनोज ने जिस तरह से कल छुपते छुपाते जो है वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी मतलब किकरी है कि आखिर इस तरह से पुलिस महकमा जो है एक सिपाही कांस्टेबल के लिए क्या सुविधाएं कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पे गंदगी है और कितने मतलब कूड़े गंबार पड़े हुए हैं, साफ सफाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन लाचार है। बिल्कुल, और साफ तौर पर ये नजर आता है मेहताब, क्या इस वीडियो पर कोई संज्ञान लिया गया है अब तक? जी, हमारी मतलब जिले के जो कप्तान, उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने संज्ञान लिया है और इस पर जो है जो भी होगा उस पर मतलब जो जिन लोगों ने इस तरह की गंदगी की है चेक कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की कोई गंदगी ना देखने को मिले और साफ सफाई हमारा जो है पुलिस लाइन जो परिसर साफ सफाई देखने को मिले। ठीक है मेहताब, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो गाजीपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांस्टेबल वीडियो बनाता है, वीडियो सोशल मीडिया पर डालता है, इससे आप समझ सकते हैं कि जो प्रशासन दावे करता है, जो अधिकारी दावे करते हैं, वो कितनी तरह से फेल साबित होते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो शौचालय हैं वहाँ पूरी तरह से गंदगी है, बाहर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और कहीं ना कहीं पुलिस लाइन की पोल यहाँ पर खोली गई है कि अगर यहाँ का ये हाल है तो अन्य जगहों का हाल किस हाल में होगा। वहीं बांदा में एक अपहरण का मामला सामने आया है, जिस पर बताया गया है कि 16 साल की किशोरी को जबरदस्ती अपहरण करके ले जाया गया। पीड़िता के मुताबिक उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा के थाना बिसंडा का है, जहां पर एक किशोरी घर में अकेली थी, तभी दो युवक आए और उसे स्टेशन ले गए। साथ ही आरोप है कि युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। बताया गया कि आरोपी ने पीड़िता और पीड़िता के परिवार वालों को धमकी दी है कि मामले के बारे में अगर किसी को भी जानकारी दी तो जान से मार देंगे। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक बांदा से गुहार लगाई, मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जल्द से जल्द दर्ज किया जाए और उसे न्याय दिलाया जाए। तो बांदा का ये पूरा मामला है, जहां पर एक नाबालिग ने कुछ लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, अपहरण करके उसका दुष्कर्म किया गया है, साथ ही साथ उसके परिवार को उसको जान से मारने की धमकी भी दी गई है। थाना बिसंडा क्षेत्र के एक गांव से एक लड़की को अपहरण करके ट्रेन से ले जाने की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें उनके परिजनों द्वारा एक स्टेशन पर ट्रेन से बच्ची को उतार कर वापस लाया गया है। परिजनों की तहरीर पर उक्त लड़की के अपहरण का अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अपडेट के लिए मेरे सहयोगी पंकज त्रिपाठी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ जांच हो पाई है?
चोरी है, जो मामला आपका बिसंडा थाना अंतर्गत एक गांव का है, जहां पर उस किशोरी को बहला फुसला कर एक युवक जो है ले जाता है, और ले जाने के बाद उसको स्टेशन, जैसे ही स्टेशन किसी ट्रेन पे जाकर जाता है, तो किशोरी के परिजनों को जैसे ही पता चलता है तो वो लोग पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद किशोरी को ट्रेन से उतार लेते हैं। उतारने के बाद ऐसा होता है कि किशोरी ने कहा कि कहां लेके जा रहे हैं उसको, दो लोग थे, दो लोग सामने आए और दो लोगों ने यही कहा कि बैठो चुपचाप और हम जो है आपको बता रहे हैं कहां जा रहे हैं, कहां जा रही हो तुम। जी मैम, इस पूरे मामले पर पंकज अब तक क्या कार्रवाई हो पाई है, क्योंकि पीड़िता का कहना है कि उसको और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। जी जी, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मामला बिसंडा थाना का था तो पुलिस किसी तरह सवालिया निशान हमेशा पुलिस पे उठते रहे हैं, तो पुलिस ने तब तक इनका मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। पीड़िता दर दर भटकती रही, जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर एसपी जी अपनी गुहार लगाई, तो गुहार लगाने के बाद जब मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो पीड़िता की गुहार एसपी पुलिस अधीक्षक ने सुनी और तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर युवक को हिरासत में ले लिया गया। ठीक है पंकज, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बांदा का ये पूरा मामला है जहां पर एक युवती ने आरोप लगाया है कि पहले उसे बंधक बनाया गया, उसका अपहरण किया गया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, साथ ही साथ उसको उसके परिवार वालों को जान से मारने की यहाँ पर धमकी दी गई है, जिसके बाद जो नाबालिग है अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची है, थाने में शिकायत दर्ज कराने की यहाँ पर लगातार गुहार लगाई जा रही है। अमेठी के कमरौली थाना के संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्र के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। वही रैगिंग से आहत छात्र अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, साथ ही छात्र ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि रैगिंग का नाम लेकर सीनियर छात्रों ने पीड़ित छात्रों को तकरीबन 2 घंटे कमरे के अंदर बंद कर अश्लील हरकतें और मारपीट की है, साथ ही शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसको लेकर पीड़ित छात्र अपने परिजनों के साथ पुलिस थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद परेशान छात्र ने न्याय की उम्मीद लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का दरवाजा खटखटाया है। वहीं पुलिस अधीक्षक लामजर्जी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने 4 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वहीं मौके पर 3 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, साथ ही आपको बता दें कि 1 छात्र मौके से फरार बताया जा रहा है। थाना कमरौली स्थित संजय गांधी पॉलिटेक्निक में है एक रैगिंग का मामला प्रकाश में आने पर 4 छात्रों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, इसमें से 3 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जी, हमारे साथ रैगिंग हुई थी 17 अक्टूबर को संजय गांधी आयोग पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी में, और उसके बाद 17 अक्टूबर को हुई थी ये, मतलब वारदात। हमें यादवपुर के डिपो से बुक लेके करा रहे थे, जो है सीनियर छात्र थे हमारे साथ, मतलब हमको जबरदस्ती पकड़ के वहाँ पर ले गया अपने रूम में, और 1.5 घंटे तक हमें कि मतलब हमें प्रताड़ित किया है मानसिक रूप से और जो है शारीरिक रूप से, और जो है विश्वनाथ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विश्वनाथ, कॉलेज में रैगिंग हो रही है एक छात्र के साथ, रैगिंग को लेकर लगातार ये जागरूकता फैलाई जाती है कि कॉलेज में जो सीनियर छात्र होते हैं वो ऐसा ना करें, मस्ती मजाक अलग बात है, लेकिन इस तरह से एक छात्र के साथ उसे कमरे में बंद करना, उसके साथ अश्लील हरकतें करना, उसके साथ मारपीट करना कहां तक सही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं तक पूरा गलत है। कॉलेज में एक बार फिर रैगिंग का नया मामला सामने आया है। अमेठी के कमरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुई छात्रा के साथ रैगिंग से आहत छात्र अपने परिजनों के साथ पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, छात्र ने एसपी से लगाई थी न्याय की गुहार। 15 दिन ही कॉलेज गया था पीड़ित छात्र। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक का क्या कुछ कहना है विश्वनाथ? जी बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं और आश्वस्त किया है कि निष्पक्ष कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अमेठी का ये पूरा मामला जहां पर पीड़ित छात्र लगातार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, उसका कहना है कि उसके साथ कॉलेज में रैगिंग की गई है और रैगिंग के नाम पर उसके साथ मारपिटाई की गई है, साथ ही साथ अश्लील हरकतें की गई है, 2 घंटे तक उसको प्रताड़ित किया गया।
आगरा में खेत की मेड़ जोतने पर खूनी संघर्ष हो गया है, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि दबंगों ने खेत की मेड़ जोतने को मना करने पर पीड़ितों की पिटाई कर दी। वहीं इस मामले को लेकर गांव में भगदड़ मच गई। पीड़ित के अनुसार दबंग भगवान दास बदमाश किस्म का व्यक्ति है, जिसके बाद पीड़ितों ने दबंगों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। वहीं पुलिस ने घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए आगरा भेज दिया है। ना ये घटिया का मतलब हमारी तरफ से जो खेत की मेड़ थी वो हम हमारी तरफ तो गेहूँ बह गए ये बह रहे थे, उन्होंने हमारी तरफ खम्मा गाड़ दिया था, जो तार लगाते हैं ना उसके चक्कर में उन्होंने झगड़ा किया है। सहयोगी आरके तिवारी मेरे साथ आगरा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आरके तिवारी, क्या कुछ पूरा मामला है और इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है, क्योंकि जिस तरह से वीडियो हम देख पा रहे हैं तो पूरे गांव में भगदड़ मची हुई है और किसी के हाथ में लाठी डंडे नजर आ रहे हैं। आरके तिवारी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। देखिए आपको मैं बता दी, खेत की मेड़ में जोतने पर खूनी संघर्ष हुआ था जी। ये पूरा मामला है थारा डॉपी क्षेत्र का नंगला जाम नहीं का, या एक पीड़ित के अनुसार दबंग भगवान दास है, बदमाश किस्म का व्यक्ति है, दबंगों के उन्होंने लाठी चार्ज किया था, झगड़ा किया था, दबंगों के खिलाफ पीड़ितों ने तहरीर थाने में जाकर दी है, पुलिस जाँच हो चुकी है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आगरा का ही पूरा मामला जहां पर मामली बात को लेकर खूनी संघर्ष नजर आया है, पूरे गांव में भगदड़ नजर आई है। साथ ही साथ ये कहना है कि सिर्फ खेत में काम करने को लेकर पूरा बवाल हुआ था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।